आज फिर हम आपके लिए कोई न्यू वीडियो लेके आए हैं। आज का जो हमारा मोटिव है, आज हम आपको दिवाली से रिलेटेड कुछ चीज़ बना के दिखा रहे हैं। जैसे कि हम लोग बाहर से चाइनीज़ लाइटें परचेज करके लाते हैं, कितनी महंगी महंगी मिलती हैं हमारे को लाइटें, 300-500 की ऐसे कुछ लाइटें मिलती हैं हमारे को। तो फ्रेंड, आपके लिए बेस्ट क्या है, छोटी आइटम और कम से कम खर्चा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि होल्डर है, इसकी कॉस्ट है मुश्किल 12-15 का होल्डर आता है। और ये फ़ैन होल्डर है, ये इसकी भी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, ये भी आपका 20 के अंदर आता है। और साथ में ये बटन जिसकी कॉस्ट है 18-15 के बीच में। और साथ में एक कैपेसिटर है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से अंदर, इसकी भी कॉस्ट कम से कम 20 के आसपास है, ठीक है। और ऐसे ही आपको फ्रेंड पता होगा, 0 वाट के हम पहले बल्ब यूज़ करते थे, अब तो LED बल्ब आ चुके हैं मार्केट में। तो अगर हमारे पास 0 वाट के बल्ब पड़े हैं या LED बल्ब पड़े हैं छोटे मोटे, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के बल्ब हैं। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मोटिव है, हम लाइट बनाने जा रहे हैं, जो कि हम अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर, गेट पे, टेरिस पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे को बताएं हम आपको किस किस तरह की वीडियो बना के दिखाएं, जिससे कि आपको लगे कि हम मुझे ये चीज़ देखनी है या ये चीज़ मुझे परचेज़ करनी है, ये सब कुछ करना है। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको दिखाया, मैंने सारे होल्डर को ओपन कर लिया है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। कैप्स मैंने इसकी अलग कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कुछ भी हम एक तार ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट तार ले सकते हैं, जिसका एक रेड है और एक ब्लैक है। तो आपने क्या करना है, रेड वाले को इसको ओपन किया, एक को रेड में डाल देना है, ठीक है फ्रेंड, और एक को आप ब्लैक में डाल देना, कुछ इस तरीके से। जैसे कि हमने ओपन किया इसको, इसके अंदर हमने फिल कर दिया और इसको यहाँ से टाइट कर दिया नेट को। ठीक है फ्रेंड, सेम ऐसे दोबारा आपको सेम तारों को अच्छे तरीके से जॉइंट करके, थोड़ा सा मोल्ड करके इसको भी इसके अंदर डाल देना है, कुछ इस तरीके से। ये हमने कुछ इसको बाहर निकाल लेंगे, दोबारा इनबिल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इसको भी हम यहाँ से टाइट, और इसको यहाँ से इसकी कैप बंद कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। सेम हम फिर सेम ऐसे ही हमने अगले पे भी कुछ इस तरीके से करना है। देखिए सेम मैंने दोबारा जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया वैसे ही करना है, और इसको टाइट कर देना है। जैसे कि फ्रेंड ये आपको मैंने दिखाया, देखो मैंने कुछ तरीके से इसको सबको तैयार कर लिया, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मैंने इसके स्विच तैयार कर दिए पूरे के पूरे, ठीक है, ये कंप्लीट। अब हम इसके आगे वाले प्रोसेस में जाते हैं, इसके आगे हमें क्या करना है। अब हमें एक बटन लेना है, जो कि कुछ इस तरीके का बटन है, जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, फेज न्यूट्रल और एक अर्थ के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर वायर लगाते हैं फ्रेंड। कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कस देंगे तार को अच्छे तरीके से ऐसे। सेम अब दोबारा दूसरी वाली वायर को यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास कलर चेंज नहीं थे, तो मैंने इस पर टेप लगा दी अर्थिंग के लिए, कि मुझे पता लग जाए ये अर्थ की तार है, ठीक है फ्रेंड। तो आप भी कुछ ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड, जो आपको मैंने बताया था कैपेसिटर है हमारे पास, ये कैपेसिटर को लेना है। सेम दोबारा हमें एक वायर लेनी है, येलो वाइट जो भी कलर की आपके वायर हो, हम इसको कुछ कट कर लेंगे इस तरीके से, इसको टेप भी कर सकते हैं इस तरीके से, आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे टेप कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेगुलेटर है इसे हम ओपन करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये हमने कुछ इस तरह से कर लिया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हम अभी एक वीडियो बना रहे थे,
तो जैसे मैंने बल्ब के होल्डर 1, 2, 3, 4 लिए, उसके मैंने अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे बल्ब लगा दिए, जैसे रेड लगा दिया, वाइट लगा दिया, ब्लू लगा दिया और येलो लगा दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि आपने दो वायर निकाली थी, एक रेड और एक ब्लैक, सारी रेड वायर जितनी है इसकी आपने सारी वायर्स को इकट्ठा कर लेना है, 1, 2, 3, 4। सेम ऐसे ही आपने जो ब्लैक वायर आ रही हैं उन्हें भी इकट्ठा कर लेना सबको इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। और मैंने आपको बताया था कि हमने एक रेगुलेटर को रेगुलेटर लिया, होल्ड ये लिया था कैपेसिटर। तो हमें क्या करना है, एक वायर जो है जो मेन पॉइंट्स पे लगेगी, ये वाला जो मेन पॉइंट है जो इलेक्ट्रिसिटी में लगेगा, इसकी एक जो वायर आ रही है वो आ रही है रेड वाली, रेड एंड ब्लैक। तो रेड वाली को आपने क्या करना है फ्रेंड, रेड वाली को फ़ैन वाला जो ऑन ऑफ करने वाला था, फ़ैन की स्पीड बढ़ाने वाला, एक को हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना। दूसरा जो हमने यहाँ बटन लगाया था 3 स्विच वाला, उसके अंदर जो हमने सेंटर में एक पॉइंट दिया था न्यूट्रल वाला, उसके अंदर हमने इसको यहाँ जोड़ देना है न्यूट्रल वाले के साथ, ये न्यूट्रल पे इसको यहाँ पे जोड़ देना है। तो रेड से हमने वाइट वाली को जोड़ दिया और ब्लैक से हमने वाइट वाली को जोड़ दिया, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो हमने जितनी भी रेड वायर इकट्ठी की थी ये वाली, इस रेड वायर को हमने इस वाले पॉइंट के ऊपर जाके लगा दिया, ये देख रहे हैं फ्रेंड जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही अब हम रेगुलेटर की बात करते हैं। रेगुलेटर में हमने दो पॉइंट निकाले थे, जो अभी याद ही होगा आपको, दिखाया था मैंने रेड रेड और ब्लैक। तो जो ब्लैक वाला था वो इससे यहाँ ब्लैक के साथ यहाँ कनेक्ट हो जाएगा ब्लैक के साथ, ठीक है। और जो रेड वाला है वो रेड वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली रेड वाले के साथ दो पॉइंट जुड़ेंगे, एक तो रेड वायर जो आ रही है और एक जो कैपेसिटर से वायर होके वो आ रही है ब्लैक वाली, यहाँ जुड़ेगी और रेड वाली यहाँ। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ पहले आप इस पर लगाने के बाद टेप जरूर करना, क्योंकि करंट का डर ज़्यादा होता है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने जहाँ पे लगा मुझे यहाँ करंट आ सकता, तो मैंने वहाँ पे टेप कर दी, तो आप भी इस तरीके से टेप कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड इसको हम चला के देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो कुछ हम सेटअप इस तरीके से इसको सेट कर देते अच्छे तरीके से, बटन हमने कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है फ्रेंड। होल्डर हमने ऐसे रख दिया, कैपेसिटर ये रहा हमारा, ठीक है। अब हम बल्ब करते हैं ये कैसे वर्क करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम, अब आपको दिख रहे होंगे बल्ब फ्रेंड, ठीक है। अब ये जो मेन प्लग है ये हम एक पावर स्टेंशन के साथ, इस तरीके के स्टेंशन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं, देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। अगर आप ये बटन से बंद कर देते हैं तो ये नॉर्मल जलेंगी लाइटें जैसे जल रही हैं। अब आप इससे रेगुलेटर से क्या कर सकते हैं, इनकी स्पीड अप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये 1 पॉइंट पे है, ये 2 पॉइंट पे है, ये 3 पॉइंट पे है, 4, 5, 6, 7 देखिए 7 बाकी। अब हम इसे चाहते हैं कि ये थोड़ा जगबुक करें जैसे कि हमें चाहिए होता है, तो आप इस बटन को यहाँ से ऑफ़ कर देना और ये देखिए जगबुक करेगी। आपको तेज चाहिए, स्लो चाहिए, तो स्लो चाहिए तो आप इसको स्लो कर देंगे, ये 6 पे आ गया, ठीक है फ्रेंड। ये 2 पे आ गया, उसके नीचे हमने पॉइंट कम कर दिए, ठीक है फ्रेंड। ऐसे करके आप इसके पॉइंट को डाउन 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 कर सकते हैं। अगर मैं पूरा बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ज़्यादा तेज करूंगा तो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से वर्क करेगा आपका। एक बार मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा ये, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड क्लियर दिख रहा है आपको फ्रेंड। ये कुछ आप दिवाली पे घर पे यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल जो इसकी कॉस्टिंग बैठी है वो बहुत कम बैठी है। तो अगर आप 21 का या 24 का या फिर 30 बल्बों का बनाना चाहते हैं, फीचर यही रहेंगे सारे, आप बल्ब इंक्रीज कर सकते हैं, पावर मेंटेन होती रहेगी,
और कुछ इस तरीके से आपको दिवाली पे आप घर पे ही बैठे ये सारे फीचर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और न्यू चीज़ें देखने के लिए हमें कमेंट्स करें और बताएं कि आपको क्या